हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 16 से 18 जून तक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष शुरू होने जा रहा है। इस उत्सव की शुरुआत गेयटी शिमला के मुख्य सभागार में होगी। उत्सव में देश विदेश से करीब 425 साहित्यकार, लेखक और जाने माने विद्वान भाग ले रहे हैं। उत्सव में 32 LGBTQ लेखक, 40 आदिवासी भाषाओं, 25 उत्तर पूर्व लेखक, 9 प्रवासी, 9 विदेशी लेखकों सहित भारत के 300 लेखक उपस्थित रहेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में ये उत्सव हो रहा है। 16 जून को 12 बजे पहला कार्यक्रम साहित्य और स्त्री सशक्तिकरण विषय पर होगा। 16 जून दोपहर बाद 2:30 से 4 बजे के बीच किरण बेदी मेरे लिए साहित्य के मायने विषय पर संवाद में भाग लेंगी। 17 जून को गुलजार के साथ विशाल भारद्वाज की बातचीत भी आकर्षण का हिस्सा होगी। उत्सव में नए साहित्यकारों को भी जगह दी गई है, साथ ही हिमाचल प्रदेश के लेखकों को स्थान दिया गया है। इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव जो है शिमला में 16 तारीख से 18 तारीख यानी 3 दिन 16, 17, 18 सवेरे 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक होगी। इसमें 60 से अधिक विभिन्न सत्र है। इसमें 425 से अधिक लेखक भाग ले रहे हैं। देश और विदेश से भी लेखक आ रहे हैं और अलग अलग कोणों में लोग अपने अपने रचना पढ़ेंगे और डिस्कशन भी करेंगे। और इनकी उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि है माननीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी रहेंगे और साथ साथ हमारी हिमाचल सरकार की शिक्षा मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। और इनकी वेलडिक्ट्री सेशन जो अंतिम सत्र होगी 18 तारीख शाम को 6 बजे, उसमें हिमाचल सरकार की राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। और ये तीनों दिन शाम को 6 बजे के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। पहला दिन सोनाल मानसिंह जी का एक नृत्य प्रदर्शन होंगे और दूसरा दिन शाम को नाथूलाल सोलंकी जी का अपने नगारा का वादन ये सब होंगे रिज के ऊपर। और तीसरा दिन शाम को और जाने माने दस्तान गोई मोहम्मद फरूकी साहब। शिमला से N1 लाइव के लिए योगराज शर्मा की रिपोर्ट।